खबर अल्मोड़ा से है, जहां नियुक्ति पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर पुराने कलेक्ट्रेट के परिसर में गुरिल्ले धरना दे रहे हैं। जी हां, गुरिल्लों को धरना के 3900 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान गुरिल्लों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर आक्रोश बताया। बता दें 2009 से गुरिल्लों का धरना शुरू हुआ था, तब से लगातार वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि इनका उपयोग सीमाओं पर करने के लिए पिछली सरकार से लेकर वर्तमान की भाजपा सरकार में अनेक बार चर्चा हुई, कई निर्णय भी लिए गए। एसएसबी मुख्यालय द्वारा सिफारिश भारत सरकार को भेजी गई, लेकिन सिफारिश पर कोई अमल नहीं हुआ। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पर बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई है। आज हमारे अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में गुरिल्ले के धरने को 4900 दिन पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर हम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन यहाँ पर भेज रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मांग है कि जो एसएसबी गुरिल्ले सीमा पर सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण लोग थे, इनका उपयोग सीमाओं पर करने के लिए पिछली सरकारों से लेकर के भाजपा की इस वर्तमान सरकार तक अनेक बार चर्चाएं हुई, अनेक बार कई निर्णय भी लिए गए, तथा इसके अलावा 9 मई 2011 को एक सिफारिश भी एसएसबी मुख्यालय द्वारा भारत सरकार को भेजी गई, उसका क्रियान्वयन भारत सरकार ने नहीं किया है। अलबत्ता उन्होंने राज्य सरकारों को गुरिल्लों को होमगार्ड में लेने के लिए तथा कुछ अन्य विभागों में रखने के लिए आदेशित तो किया, लेकिन राज्य सरकारों ने भी उन पर कार्रवाई नहीं की। इसके बाद तुरंत होली के बाद एक बड़ा प्रदर्शन कार्यक्रम जिला मुख्यालय पर करेंगे, और सभी जनपदों में हमारा प्रदर्शन कार्यक्रम मार्च के महीने में करने की योजना।